वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है मेरे चैनल में। फिर मैं एक आज वी शेप हेयर कट लेके आई हूँ। आपको कैसे इजी कट होता है मैं ये सिखाने जा रही हूँ। स्पेशली मैं एवरी टाइम ज़्यादातर मैं ड्राई बाल में काटती हूँ। अगर क्लाइंट का बाल ड्राई हो और सिल्की हो तो हम ड्राई बाल काटने में अच्छा होता है और इजी भी होता है और एग्जैक्टली सेफ भी होता है। आप इस वीडियो से आप सीख सकते हैं। अभी मैं इसका बाल वी शेप काटने जा रही हूँ और उसका बाल मैं आधा अमाउंट, पूरा बाल का आधा अमाउंट ले रही हूँ बेस में। अभी ये बेस का फर्स्ट सेक्शन में मैंने आधा बाल ले रही हूँ, जैसे कि आपने वीडियो में देख सकते हैं। नो नीड टू मेक मेनी सेक्शन। आपको ये नहीं कि इतना ज़्यादा सेक्शन करके कन्फ्यूजन हो जाए। ये मैं बहुत ईजी मैथड आपको सिखाने जा रही हूँ। अभी पूरा बाल का आधा बाल पहले ले लें, उसके बाद कितना लेंथ काटना है लेंथ में आप निशान रखें, जैसे कि सेंटर में, ये है सेंटर में निशान, कितना लेंथ उसको काटना है। उसका अभी लेंथ का हिसाब तो हो गया। अभी फिर मैंने आधा बाल, राइट हैंड का आधा बाल और लेफ्ट हैंड का आधा बाल सेपरेट करती हूँ। उसके बाद मैं राइट हैंड का बाल जो मैंने निशान लगाया था वहाँ तक काटती हूँ। बाल को मैं शोल्डर तक, शोल्डर और ले जाती हूँ, शोल्डर के थोड़ा आगे ले जाके उसी के बराबर काट देती हूँ। ऐसे काटने में उसका बाल ऑटोमेटिकली वी शेप में चला जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं। दिस इज वेरी इजी वे हेयर कट वी शेप। ओके, अभी आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट वी के हिसाब से गया, ऊपर छोटा और नीचे लंबा। अभी दूसरी ओर भी इसी तरह से बाल को कॉम करके, अच्छे से कॉम करके शोल्डर ओर ले जाते हैं। शोल्डर ओर ले जाके फिर वही जो हमने निशान किया था सेंटर में, उसी के मुताबिक से बरोबर काटना पड़ता है। शोल्डर के, शोल्डर से थोड़ा उधर ले जाके बराबर काटे। अभी इसमें भी आप देख सकते हैं वीडियो में ऑटोमेटिकली वी शेप बन जाता है। अगर हमको इजी वे और क्विक वे और इजी तरीका अपनाना है तो फिर ज़्यादा सेक्शन लेके, ज़्यादा पार्टीशन करके हम कंफ्यूज नहीं होने को। अभी ये टू सेक्शन में हम बाल को ख़त्म करते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड एंड थर्ड सेक्शन, दो तीन सेक्शन में हमारा ये बाल वी शेप बन जाता है। अभी आप देख सकते हैं अगर कोई लंबा छोटा छोटा हो तो फिर हम फिनिशिंग टच कर सकते हैं। अभी हम आगे का बाल लेके बराबर चेक करते हैं बराबर है कि नहीं, वी शेप एग्जैक्टली जगह से आया है कि नहीं। तो आप अगर थोड़ा सा लंबा छोटा हो तो आप मैनेज कर सकते हैं और ट्रिम करके बराबर कर सकते हैं। अभी मैं लेती हूँ सेकेंड सेक्शन। मैं तीन सेक्शन में ये वी शेप खत्म करती हूँ। अच्छे से कॉम करें, फिर सेंट्रल से हम डिवाइड करें, राइट का राइट और लेफ्ट का लेफ्ट और अच्छे से कॉम करें। उसका बाल सिल्की बनाया है, सीधा बनाया है, एक्चुअली उसका बाल कर्ली था, सिल्की बनाया है और सिल्की बाल में वी शेप काटना बहुत ईजी होता है। और इसी तरह से 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री ले जाके, आगे ले जाके फिर पहले के जो बाल हमने पहले काटा था उसी के गाइडलाइन में बराबर काटना है। अभी देखिए दूसरा भाग भी, दूसरा राइट हैंड साइड में भी ऐसे अच्छे से कॉम करें और 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री में बाल को उठाइए कॉम करके। उसके बाद पहले कटे हुए बाल के गाइडलाइन लेके बराबर काटें। अभी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली वी शेप बन गया है। वी शेप में थोड़ा लेयर दिखाई देता है, मतलब वी शेप में थोड़ा स्टेप कट दिखाई देता है। अभी आप दिख रहे हैं इधर वी शेप वीडियो में। अभी थोड़ा थोड़ा लंबा छोटा होता आप मैनेज कर सकते हैं, कभी कभी थोड़ा लंबा छोटा छूट जाता है। तो अभी है लास्ट सेक्शन। अभी हम लास्ट सेक्शन में अच्छे से कॉम करते हैं और उसका पार्टीशन करते हैं, जैसे उसका आगे का पार्टीशन और उसके बाद हम फिर आधा पार्टीशन
राइट हैंड पे आधा पार्टीशन लेफ्ट हैंड के करके हम फिर सेकेंड सेक्शन में हमने जो काटा था उसका गाइडलाइन लेके फिर लास्ट का सेक्शन बराबर काटते हैं। अभी फिर हम राइट हैंड साइड में ऐसे ही काटते हैं 90 डिग्री और ले जाके बाल को अच्छे से कॉम्ब करके ऊपर ले जाके सेकेंड सेक्शन के मुताबिक से उसी का गाइडलाइन को बराबर करके हम काट देते हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं। और ऐसे काटने में हम लोग को कुछ भी नहीं सोचने को, ऐसा काटे तो ऑटोमेटिकली हमारा वी शेप हल्का स्टेप कट बन जाता है। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं ये बराबर वी शेप हो गया है। अभी थोड़ा लंबा छोटा जिधर स्टेप में थोड़ा किधर लंबा किधर छोटा होता है इसमें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, उसमें फिर रिटच करना पड़ता है। अभी थोड़ा थोड़ा लंबा है उसको मैं मैनेज कर रही हूँ। अभी राइट का बाल लेफ्ट के लेके थोड़ा मिलाना पड़ता है और लेफ्ट के बाल थोड़ा लाइट में ले जाके थोड़ा मिलाना पड़ता है। अगर मिल चुका है तो हमको काटने का ज़रूरत नहीं है। अभी एक बार मैं फिर एक फिनिशिंग टच देती हूँ आधा बाल टू सेक्शन करके, होल बाल में राइट हैंड में एक पार्ट और लेफ्ट हैंड में एक पार्ट। अभी राइट हैंड का और मैं काट रही हूँ फाइनल टचअप। अभी 90 डिग्री में ले जाके हम थोड़ा लंबा छोटा काट देते हैं। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड में भी हम ऐसे करके काटते हैं जैसे कि राइट हैंड में काटा। अभी जाके हो गया बराबर। अभी थोड़ा फिनिशिंग टच दे रहे हैं थोड़ा लंबा छोटा हो तो। अभी आप देख सकते हैं इधर एग्जैक्टली वी शेप में थोड़ा लेयर और थोड़ा स्टेप कट बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद आप मेरे वीडियो देखने के लिए और होप यू गाइज सी यू सून। ये हुआ परफेक्ट वी शेप लेयर। Thank you. Stay safe. God bless. Bye.